ये चौथा क्वार्टर फाइनल एक तरफ है JDBEC और दूसरी तरफ PMCKV नंबर वन जालाहाली। केवीडी जूनियर्स बेंगलुरु लीग का चौथा क्वार्टर फाइनल, जो ये मुकाबला जीतेगा वो बनेगा चौथा सेमीफाइनलिस्ट। मुकाबला चल रहा है यहाँ पर JDBEC वर्सेस KV नंबर वन जालाहाली। रेडिंग की बारी, फुल स्टैक के डिफेंस है, एक रनिंग हैंड टच का प्रयास करते हुए और वो पॉइंट मिल जाएगा कप्तान गुरुतेजा को। यहां देखिए रनिंग हैंड टच लगाया, इतनी लंबी रीच, यहां कामयाबी मिली जर्सी नंबर 7 साई फ्रॉम KV नंबर 1 जलहाली। सारे दर्शकों को एक बार बता देना चाहते हैं 20 सेकेंड की यहाँ हर एक रेड है, हर रेड टू और डाई रेड, 5-5 मिनट के दो हाफ, 3-5 का स्कोर है, लगभग 2.5 मिनट बाकी क्लेम करते हुए। लेकिन राइट कॉर्नर ने बोला कि कोई ऐसा टच नहीं हुआ, लेकिन शानदार एंकल होल्ड डिफेंस से मिलकर काम दिखाया। इस बार लेफ्ट कॉर्नर ने खूबसूरत डिफेंसिव वर्क दिखाया। अब यहाँ लीड ले चुके हैं JDBEC। केवल 10 मिनट का ये मैच होता है, एक एक पॉइंट बहुत जरूरी। सुपर टैकल, इसी बीच PMCKV नंबर 1 उस लीड के करीब आ सकते हैं, लेकिन उसके विपरीत यहाँ JDBEC के रेडर ने आए हैं कर लिया। यहाँ एक और बेहतरीन कामयाबी JDBEC के डिफेंस की, रेडर सेफ, 1 पॉइंट, जर्सी नंबर 7। और कमाल की बात यह है, सभी ये देखो मम्मियां कितना एंजॉय कर रही हैं बच्चों को खेलते हुए देख के। क्या इस आखिरी रेड में पहले हाफ के कोई पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय, लेकिन JDBEC का डिफेंस बिल्कुल सामूहिक काम करता हुआ एक बार फिर पहले हाफ की समाप्ति पर। JDBEC एक छोटी सी लीड लेकर फिलहाल है आगे, लेकिन कभी भी कर सकते हैं वापसी। JDBEC इस वक्त इस मुकाबले में 4 पॉइंट से आगे है, कमबैक करना होगा अगर सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनानी है। ब्लू जर्सी में यहाँ JDBEC, पिंक जर्सी में यहाँ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जालाहाली। सुपर टैकल ऑन, सुपर टैकल के साथ यहाँ पर PMC केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 आ सकते थे करीब, लेकिन डू ऑर डाई रेड होती है हर एक रेड, बिना स्ट्रगल के गए वापस रेडर। 2 पॉइंट्स PMKV स्कूल, यहाँ एक टैकल कर लिया गया है JDBEC की तरह, उसके साथ साथ ऑल आउट PMCKV नंबर 1 जालाहाली। 3 पॉइंट्स मिलेंगे और एक अच्छी बड़ी लीड अब JDBEC के पास। JDBEC इस चौथे क्वार्टर फाइनल में लीड बनाती हुई, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 8 पॉइंट का है, 3 मिनट का वक्त बाकी है, कमबैक आसानी से किया जा सकता है, बस जरूरत है मल्टी पॉइंट रेड्स की और डिफेंस में गलती ना करने की। बोनस प्लस 1 और यहाँ मल्टी पॉइंट रेड, और यहाँ कबड्डी के इस मैच पर छोटी हाइट लेकिन बड़ी फाइट लेकर आए हैं KVD जूनियर्स बेंगलुरु लीग के छोटे छोटे बच्चे, बेहतरीन डैश, यही तो खासियत है। KVD जूनियर्स में भी आपको सारे सीनियर्स वाले मूव्स देखने को मिलेंगे। JDBEC लगातार अपने लीड में इजाफा करते जा रहे हैं, 10 के आंकड़े को भी छूने नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बार सुपर टैकल हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं, सुपर टैकल तो हो गया लेकिन यहाँ कितने पॉइंट, ऑल आउट किया, ऑल आउट, तीनों खिलाड़ियों को एक ही साथ गुरु तेजा बाहर ले गए। कहाँ सोचा था सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ तो 5 पॉइंट गवा बैठी पूरी की पूरी टीम। कह सकते हैं मैच अच्छा रिश्ता है बाकी है इस मुकाबले में। अब JDBEC के ये सारे प्लेयर्स के पैरों में मानिए बिजली सी दौड़ गई हो, इस तरीके की रफ्तार, इस तरीके का ये जोश इस मैच में लेकर आते हुए, स्ट्रगल अभी भी जारी है लेकिन बाहर कर दिए गए और 27 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे अब। और अब आ चुके एक बार फिर से गुरु तेजा भी, 13 पॉइंट्स इकट्ठे कर चुके हैं, उसमें इजाफा हो जाएगा बोनस प्लस 1 एक बार फिर से। और इसी के साथ KVD जूनियर्स बेंगलुरु लीग का चौथा क्वार्टर फाइनल होता है समाप्त। इस मुकाबले को जीता JDBEC ने, फाइनल स्कोर 39, 21 पॉइंट से इस मुकाबले को जीता JDBEC स्कूल।